तो ये मेरा वीडियो है, इस पे रेड कलर का ये सब्सक्राइब बटन है, इसको प्रेस करना है। उसके बाद ये बेल बटन है, इसको प्रेस करना है, फिर ऑल पे क्लिक करना है ताकि मेरे आने वाले ब्लॉग का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। शोभना की ज़िंदगी में आपका स्वागत है। और अभी मैं आई हूँ चाय नाश्ता करके, और यहाँ पे बच्चों को दिया के है, वैसे कचौड़ी बनी थी तो ये लोग खा नहीं रहे थे, तो इन लोगों को खाने के लिए दिया। तो बच्चों का रहता है ना, जब तक खुद ना देखो तब तक वो नहीं खाएंगे, तो वही मैंने हनी को भी दिया। और सेजल अभी नहीं खाएंगे, दही जलेबी खाए बैठी हैं। सेजल क्यों नहीं खाया भाई कचौड़ी? तो विदु आ गई है, क्या लेके आई हो भाई? तो विदु लाई है चाय और कचौड़ी, क्योंकि आज है विदु की मैरिज एनिवर्सरी, तो विदु लेके आई है भैया के लिए। देखिए भैया आपके लिए अपने हाथों से बना के लाई है। और इधर ये हैं भैया, हमेशा बनाती है। आज बन रही है कढ़ी, और इधर सोया आलू की सब्जी। जो पक रही है और थोड़ी देर में बन जाएगी। अब यहाँ पे हो रहा है बच्चों का डांस, और काफ़ी मस्ती कर रहे हैं बच्चे। तो ये किट्टू को हंसाने के लिए सारा डांस हो रहा है, लेकिन उसको कोई असर नहीं हो रहा है। किट्टू को बहुत रो रहा था, तो अभी शांत हुआ है। तो यहाँ पे पापा और बच्चे बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। आज विधु की है मैरिज एनिवर्सरी, और ये डेकोरेशन जो है बच्चों ने किया है। हम लोगों के पास टाइम नहीं था, क्योंकि काम ही इतना रहता है, बच्चों को भी देखना रहता है, तो बस वही बच्चे करके गए हैं, बिमझिम और सेजल। और इधर आ गया है देव। और इधर आ गई है विधु। क्या हुआ भाभी? अभी ये भी तैयार नहीं हुआ है। बाबू मम्मा बुला रही हैं। अच्छा, जल्दी जाओ मम्मा के पास, तैयार हो के आओ। रिमझिम तैयार हो गई। कितने साल हो गए शादी में? रिमझिम ये बताओ कैसा डेकोरेशन किया है तुमने? 2 साल। यहाँ आ गई है रिमझिम, और इसने और सेजल ने मिलके डेकोरेशन किया है, और खुद भी तैयार होके आ गई है। तो भाई कैसे डेकोरेशन किया? सामान कहाँ से मिला? सामान तो कुछ था नहीं घर पे, क्यों सेजल? नहीं लगा था। मिल गया, कहाँ से मिल गया? रिमझिम के पास था। अच्छा, रिमझिम के पास सामान था, तो वही इन्होंने डेकोरेशन किया है। वैसे काफ़ी अच्छा किया है। और किसका आइडिया था ऐसे, मतलब डेकोरेट करने का? कहाँ था। वैसे बच्चे भी कर तो रहे थे थोड़ा बहुत हेल्प। नहीं, दोनों ने सिर्फ परेशान किया। अच्छा, सिर्फ परेशान किया है, वरना और जल्दी हो जाता है। वैसे क्या टाइम हो गया है? अभी 8 बजने वाले हैं, 15 मिनट। अच्छा, सुना तुम पार्टी में भी जा रही हो, आज शादी है? नहीं। तो तुम नहीं जा रही हो? कौन जा रहा है? पापा जा रहे हैं, मम्मी जा रही हैं, और हम जा रहे हैं। अच्छा, सिर्फ 3 लोग जा रहे हो, तुम नहीं जा रही हो। और देव? और इधर आ गई है विधु। तो विधु रेडी? तो बताओ विधु की कैसा डेकोरेशन हुआ है भाई, बच्चों ने किया है? बहुत अच्छा, आई एम वेरी हैप्पी। टूटा हुआ है और अभी हो ही रहा है क्या? तो अभी हमें लग रहा है कि डेकोरेशन थोड़ा बचा है, तो ये लोग अभी कर ही रही हैं। लेकिन बीच में थोड़ी अच्छा गाड़ी।
तो भाभी साड़ी दिखा रही हैं। ये तो भी पहनी थी हमने, कई बार पहन चुकी है। ये पिंक वाली साड़ी अच्छी लग रही है वैसे। अच्छा ये करवा चौथ में, भैया ये तो स्पेशल साड़ी है क्योंकि भैया ने दिलाई होगी करवा चौथ पे। ये हमारे तो ये हमारे भैया ने, भाभी भाभी चमकी होंगी, ये उनके भैया। अच्छा और भैया भैया नहीं, ये किसके भैया ने दी? आपके भैया ने दी है। अच्छा और उनका फेवरेट कलर पिंक और येलो। तो आपको वैसे कौन सी, येलो तो हमारे पास इतनी नहीं है, तो मूव गए। आपको कौन सी ज्यादा पसंद आई, कि मतलब अपने भैया की साड़ी की मेरे भैया की साड़ी? कंफ्यूज नहीं, एक को बता ना, वो एक तो एक क्या बनना, तो भी अच्छी है ये भी अच्छी। भाभी को मैंने बातों में फंसा दिया और मैंने उनसे कहा कि दोनों मतलब भैया में किस, कौन से भैया की साड़ी पसंद है? तो कह रही दोनों ही पसंद है, वैसे ये वाली ज्यादा अच्छी लग। विदु केक कटने जा रहा है, अभी कितना टाइम है? मालाबार से लेनी है। चलो हम आते हैं, बैठो ना। छोटा बच्चा जो अपने कपड़े ढूंढ रहा है रेडी होने के लिए, और उसको जीन्स मिल गई है। देवू कपड़े नहीं मिल रहे हैं क्या भैया? तुम नहीं ढूंढ पाओगे कपड़े, मिल गए हैं कपड़े। नहीं है, वो हनु की है, देख लो पहले। देखिए देव रेडी हो गए। अरे वाह, ये तो बहुत स्मार्ट लग रहा है। पीछे की जो पेंटिंग है दीवार पे वो तो बहुत अच्छी है, मतलब अभी तक इतनी जगह है, इतनी अच्छी पेंटिंग कहीं नहीं देखी है। किसने किया भैया पेंट दीवार को? तो ये आ गई है मेरी प्यारी सी छोटी सी बहन, जिनके करली करली बाल, और उनको मेरे साथ लेनी है सेल्फी। तो और चिपक जाओ, गिर जाए। तो सबको सेल्फी लेनी है मेरे साथ। अभी ये वाली साड़ी पहचान नहीं पा रहे हैं, कौन है भाई इसका? तो बहुत ही ज्यादा भारी पल्ला है। रिमझिम है ना, बिल्कुल चेंज, और काफी मेकअप किया है, और पता नहीं चल रहा, भी पीछे दिखाती हूँ कितनी मेहनत की है रिमझिम ने। रिमझिम ने इतनी हेयर स्टाइल पे मेहनत की है कि, और अपने आप हेयर स्टाइल बनाई, काफी अच्छी बनाई है अपने आप, और बहुत अच्छी है। निशु से बनवा के आई है, तो पड़ोस में इनकी दीदी रहती है, उसी से बनवा के आई है, और मुझे लगा इसने खुद बनाई है, तो बेकार में मैंने तारीफ कर दी। पे विदु जो है साड़ी पिनअप कर रही है, क्योंकि साड़ी थोड़ी हैवी है, इसलिए पल्ला सही से नहीं बन रहा है, वो वाला तो पल्ला बिल्कुल तो नहीं आता। भाभी की साड़ी सही कर रही है। वैसे मेरे यहाँ विदु बहुत अच्छी साड़ी बांधती है। विदु भाई इधर भी देख लो, तो साड़ी भाभी रेडी हो गई है। भाभी कहाँ जा रही हूँ भाई? ये है आरव। हाँ। आरव क्या कर रहे हो बेटा? आराम से, नहीं तो दांत टूटने का डर है ना हनी? नहीं करते ऐसे ना, डंडा ऊपर जा रहे हैं। क्या हुआ रिमझिम, कुछ रह गया क्या? कुछ भी रह गया, कुछ अभी टीवी खराब हो गया है, तो भैया जरा चेक कर रहे हैं कि शायद बन जाए, कुछ गड़बड़ है, दो तीन दिन हो गया है, तो वही भैया देख रहे हैं कि शायद बन जाए, तो सही करने की कोशिश कर रहे हैं। सही होगा भैया कि नहीं? हाँ भैया चेक करके बताएंगे, शायद बन जाए। यहाँ पे चल रही है सेल्फी। तो ये आ गया है केक, और बच्चे हैं बेकरार खाने के लिए, तो वैसे बच्चों को मिलेगा नहीं, मगर चलो देख सकते हो तुम लोग, मगर खाना नहीं है। अब खाएंगे। नाइन हो गए हैं शादी के? नाइन कंप्लीट। टू थ्री फोर फोर फाइव फाइव सिक्स सिक्स सेवन एट ट्रे और सेजर लेके आई है। पहले क्यों नहीं लाए बेटा?
भूल गई थी, चलो इसी में केक रखो। तो यहाँ पे केक कटने की तैयारी हो रही है और वेट किया जा रहा है, अभी एक दो लोग लगता है रह गए हैं, उन्हीं को बुलाने गई है विधु। धीरे से बेटा, हल्ला गुल्ला नहीं करना। क्या हुआ, माचिस खो गई? तो चलो बीच में बैठी जाइए, ये तो कटवाता ही है हर बार। तो आरू आरू केक कट करेगा क्या? मैं नहीं करूंगा। क्यों? मैं पहले केवल अपने बर्थडे का करूंगा। हां बैठिए, लेकिन अपने आप करूंगा। क्यों? मम्मा पापा नहीं करूंगा मतलब। देखो मोबाइल से स्टार्ट। पहले टीका? हाँ पहले होता हमारे, पहले भाभी करो, फिर भाभी करेंगे, फिर तुम भी करोगे। हम तो कर ही देंगे, फिर हम करेंगे। तो तो भाभी करने जा रही है टीका और हनी बीच में बैठे हुए हैं। भैया हनी बीच में क्यों बैठे हो, साइड में हट जाओ। यहाँ पे मैं कर रही हूँ टीका भैया और विधु के, और बीच में हनी बैठा हुआ है, तो उसको भी काफी मजा आ रहा है। तो वही हो रहा है, टीका और मिठाई खिलाई जाती है। ये नहीं जा रहा है। तुमको भी खिला दूं क्या बेटा? हाँ। उसके बाद हन्ना, उसके बाद हन्ना, आजा। अभी हन्ना भी काटेगा केक, अभी हन्ना भी काटेगा। अच्छा उसको लगवा। अच्छा वो 15 मिनट केक काटेगा भी बेटा, अभी कट्टू करेगा, हन्ना भी करेगा। तो आज मैरिज एनिवर्सरी तो विधु की है, लेकिन ये इधर छोटू बेबी नाराज हो गया है, तो इसको फिर से केक कटाया जा रहा है ताकि उसे लगे कि उसका बर्थडे है और खुश हो जाए। तो वही कट कराया जा रहा है उससे केक। हैप्पी बर्थडे टू यू, उसको पता था ना कि तुम बेवकूफ बना रही हो। इसको इसको सबसे पहले मिलेगा। सेजल दो बेटा। हाँ बड़ा वाला, बड़ा वाला, इनको बला वाला चाहिए। वैसे आज बर्थडे है किसका? हनु का बर्थडे है। पिज्जा भी ले आओ जिम जिम, बेटा पिज्जा भी निकाल के ले आओ जिम 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 ले आओ। नंबर 2 गिफ्ट खोल के दिखाओ भाई, क्या है जल्दी। सीक्रेट? चलो भाई सीक्रेट है। और भैया आप उधर खड़े हैं भाई, आ तो जाइए। गिफ्ट तो दोनों लोगों का है ना, अब सही है। किसने फोटो खींचा?
फोटो खींच भी रही है। थैंक यू भैया एंड भाभी, थैंक यू भैया एंड भाभी, तो फोटो पे ही ये सभी कर रहे हैं इंतजार फिलहाल, तो लाइट की थोड़ी कमी है तो इसलिए लाइट के लिए बल्ब दूसरा भी लगाया जा रहा है। ये दोनों नहीं जाएंगे आज, तो भाई भाभी जम रही हैं। नहीं गजरा नहीं लगा है भाभी, गजरा नहीं मंगाई, हाँ गजरा भी होना चाहिए था। एक पीस किसी ने चुराया भी है, वही कह रहा है ये लो, सबसे किनारे वाली बच्चे अपने आप से ले लेंगे, सारे बच्चे अपने अपने आप से। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, जो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक के लिए बाय।